नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। खाने के साथ में अगर रहते हो तो खाने के स्वाद तो दुगना बढ़ ही जाता है, साथ ही हमारे पाचन को भी ये दुरुस्त करता है। रायते कई प्रकार से बनाए जाते हैं, तो आज हम बनाएंगे आलू का रायता। इसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब हम लेंगे कुछ मसाले, 7-8 के लिए लिया मैंने लहसुन की, 4 से 5 लिए हरी मिर्ची, इसे हल्का दरदरा सा कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से कूटना, ज़्यादा नहीं कूटेंगे इसे। तो यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें छील लेते हैं। तो यहाँ पे सारे बॉईल आलू को मैंने छील लिया, ये देखिए। अब इन्हें हल्का सा मैश कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं मैश करेंगे इन्हें, किसी स्पून से इस तरह से आप फोड़ लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई में डाला मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना जीरा, थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, इसे भी मिक्स कर देंगे। इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, आप इसकी जगह पर हरा धनिया भी ले सकते हैं। मसाला भून चुका है, अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू, इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके। देखिए साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना नमक। एक तरह से हमारी भुर्जी तैयार हो चुकी है। इसे आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो आप भुर्जी और रायता दोनों ही एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। लीड लगा के 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अपने आलू को। ये देखिए अच्छे से भुर्जी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रायता बनाने के लिए लेंगे 2 कप जितनी दही ली है मैंने, ताज़ा फ्रेश दही है ये घर की जमी हुई। इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए, देखिए इसे फेंट लिया है अच्छी तरह से हमने। अब इसमें जाएगा नमक 1/2 टेबल स्पून जितना, क्योंकि नमक हमने भुर्जी में भी डाला है तो इसे नमक कम डालेंगे। 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे रायते में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर लीजिएगा। मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं, इसे भी इसके अंदर मैश कर देंगे। सारे आलू को दही के अंदर मिला दिया और इसे मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो तैयार है हमारा झटपट से आलू का रायता। इसे मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर से। इसे आप दोपहर के लंच में एक बार खा के देखेंगे तो आपकी भूख दुगनी हो जाएगी, एक की बजाय आप 3 रोटी खाएंगे। आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।